अरे स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आज आज लास्ट डेट है। आज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अप टू 40% ऑफ मिलेगा। PMYT डिस्काउंट कोड आप यूज़ करना। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा, जिसमें आपकी फीस मैक्सिमम 40% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपकी फीस 5183 और 4319 हो जाएगी। तो PMYT डिस्काउंट कोड याद रखना, ये सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है और लास्ट डेट है आज 40% का। इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं और अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आज सीजीएल 2022 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा कि कितने टोटल CPT और डेस्ट पोस्ट हैं जो कि सीजीएल 2022 में भरे जा रहे हैं, यानी कि बिना कंप्यूटर वाले कितने पोस्ट हैं जिसमें आपको नौकरी पाना आसान है, जिसमें आपकी नौकरी लग सकती है, ठीक है, जिसमें आपको केवल कंप्यूटर में पासिंग मार्क अगर 18 नंबर भी है तो आप पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में चलिए हम टोटल पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, कितनी टोटल पोस्ट है यहाँ पे आपकी। तो स्टूडेंट ये देखिए, CPT वाले पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और जो CPT पोस्ट, CPT जिनके लिए कंपलसरी है वो, ठीक है, जैसे ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है जो इस बार वो 982 पोस्ट है। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA जो कि 126 पोस्ट है। ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये 178 पोस्ट है, जिसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ये 1113, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 220, इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये 164, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपको 53 है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसमें असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो केवल 3 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी CBIC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 222 है, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है प्यारे विद्यार्थियों वो है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का, जिसमें की वैकेंसी आपकी 1936 है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपर डिवीजन क्लर्क में जो वैकेंसी है वो केवल और केवल 1 है, यानी ओवरऑल जो CPT पोस्ट हैं, ठीक है ना, ओवरऑल जो CPT पोस्ट हैं उनके लिए प्यारे विद्यार्थियों वैकेंसी है 23,188 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर हम बात करें कंप्यूटर, ठीक है, इनके लिए कंप्यूटर का जो कट ऑफ होगा वो अलग से बनाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर कट ऑफ जो है वो हाई हो सकता है इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट की अगर हम बात करें, अन्य चारों जो आपके सेक्शन हैं जिसमें कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हुआ, उनमें अगर 390 नंबर का हम मिला लें तो इस पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसका जो कट ऑफ बनेगा वो तो इन 390 नंबर में कम जाएगा। सपोज आपका 240 नंबर बन रहा है और हो सकता है 240 कट ऑफ जाए, लेकिन कंप्यूटर में ये 25+ या फिर अप टू 30 जो नंबर है वो वहाँ तक रहने वाला है, 30 नंबर तक रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर 60 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स यानी कि 25+ ही रहने वाला है जो भी हो। तो पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो 390 नंबर में तो कम होगी, लेकिन कंप्यूटर में कट ऑफ हाई हो सकती है। अगर कंप्यूटर का जो पेपर है जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से रहा तो थोड़ी मुश्किल यहाँ पे आ सकती है। बाकी आप पोस्ट देख सकते हैं, ASO में अगर आपको बनना है यहाँ पे कंप्यूटर की कट ऑफ अलग से हाई जाएगी। MEA में, ठीक है, जो ASO है MEA में वो भी आपकी हाई कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगर हम बात करें ASO की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये भी आपकी पोस्ट जो हाई जाने वाली है कट ऑफ। सबसे ज़्यादा जो ये असिस्टेंट है केवल 53 पोस्ट है, यहाँ पे 53 पोस्ट है, तो इनकी कट ऑफ जो है वो अलग बनेगी। और इनके जो CPT पोस्ट हैं ये सभी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सभी CPT पोस्ट हैं। सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि कौन कौन सी पोस्ट CPT है, ये आपको अभी तक नहीं पता था। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई कौन कौन सी पोस्ट है जो जिनमें CPT कंपल्सरी है, ठीक है, यानी कि कंपल्सरी इन द सेंस की अलग से मेरिट बनेगा, ठीक है, अलग से कट ऑफ इनकी बनाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्क पोस्ट की। टोटल डेस्क पोस्ट कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3 है, जिनके लिए टाइपिंग जरूरी है, ठीक है, इनके लिए टाइपिंग कंपलसरी है। और यहाँ पे UR के लिए मैक्सिमम एरर आप कर सकते हैं 5%, इससे भी कम हो सकता है। OBC ऐसे ही आप निकाल सकते हो। जैसे अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जो नॉन डेस्क पोस्ट है, उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि भाई 20% तक आप एरर कर सकते हैं UR वाले, लेकिन यहाँ पे इसकी अलग से कट ऑफ बनेगी डेस्क टाइप डेस्क की या फिर टाइपिंग की, इन सभी 3 पोस्ट के लिए, जिसमें सेंट्रल ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। अगर हम बात करें सेंट्रल ऑफ बोर्ड डायरेक्ट यानी CBDT में टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है 3140, और CBIC में टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 471, यानी ओवरऑल 3627 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है, जिसमें आपकी
जो डेस्ट की कट ऑफ है वो क्या जाएगी, अलग बनेगी। इनकी जो तीन पोस्ट है इनकी डेस्ट की कट ऑफ अलग बनेगी। कट ऑफ इन द सेंस कि यहाँ पे जो एरर है वो आप कितना कर सकते हो इसी बात पे डिपेंड करेगा। जैसे हो सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इन तीन पोस्ट के लिए हो सकता है कि यूआर में बोल दिया जाए कि आप 5% से ज़्यादा एरर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर 2000 टाइप वर्ड आपको टाइप करने थे, ठीक है ना, 2000 में आप 100 से ज़्यादा जो एरर है वो नहीं कर सकते, 100 से ज़्यादा वर्ड जो है वो गलत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टाइपिंग है वो बनेगा। बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए तो आप 20% गलती कर सकते हैं, इन तीन पोस्ट के अलावा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल पास होना है आपको। लेकिन इन पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है वो अलग से बनेगा डेस्ट का। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? आई होप कि आपको ये डेस्ट पोस्ट और जो सीपीटी पोस्ट है वो समझ में आया। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट जिसमें सीपीटी और डेस्ट दोनों को मिला दिया जाए तो 26,816 पोस्ट है। और इसके बाद जो पोस्ट बचे जितने जिसमें नॉन सीपीटी और नॉन डेस्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो है 10,554। यानी कि जिसको सीपीटी में यानी कंप्यूटर टेस्ट में जो है आपको केवल और केवल 18 नंबर लाने हैं तब भी आप ये 10,594 पोस्टों के लिए वैलिड हैं। और डेस्ट में अगर आप 20% तक भी एरर करते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी नॉन सीपीटी पोस्ट आप देख सकते हो कि 10,594 पोस्ट है और बाकी सभी पोस्ट क्या हैं, सीपीटी और डेस्ट पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या हो सकती है कट ऑफ आपकी, कि सीपीटी और नॉन जो सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट हैं, डेस्ट और नॉन डेस्ट पोस्ट हैं, उनके लिए अलग अलग कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी पे ये वेरी करेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 10,594 वैकेंसी बची इसमें अगर हम बात करें तो जो इनकी कट ऑफ है जो 390 नंबर की जो कट ऑफ होगी ये हाई जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या जाने वाली है, हाई जाने वाली है। तो और यहाँ पे केवल कंप्यूटर में 18 पाना है और डेस्क में केवल आपको 20% तक भी एरर आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो जितने भी वैकेंसी मैंने बताई और आपको ये जो जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको यहाँ पे समझ में आया। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी अनअकैडमी से करना प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी आज लास्ट डेट है, जल्दी से 40% ऑफर का लाभ उठाएं और PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, 5183-4319। आपका जो फीस है वो 12 मंथ और 24 मंथ की हो जाएगी। PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है। यहाँ पे आपका सफलता का संकल्प नाम महोत्सव जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप फ्री क्लास ले सकते हैं और गिफ्ट वाउचर पाने के मौके पा सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़िए, इनरोल करिए डेली, 18 मार्च से 25 मार्च के बीच डेली आपको जो भी लोग यहाँ पे टॉप करेंगे, जो लोग भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, जीत भी तैयारी भी करिए और साथ साथ आप अब जो चीज़ों को मतलब जीतने का कुछ मौका भी पाइए। पुलिस दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है, CGL 2022-2023 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें स्टोर बेनिफिट्स के, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बहुत सारे स्टोर बेनिफिट्स हैं जिसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है, सेशन वाइज अपने आपको टेस्ट करिए डेली प्रैक्टिस से, और एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं जिनसे आपसे पढ़ना है वही। जैसे आपको टारगेटेड बैचेज आपके जो मनपसंद प्राइज में मिल रहे हैं, मान लो आपको क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड लेना है तो केवल 1289 में, ठीक है, और अगर 1279 में, अगर आपको GS का केवल कंप्लीट बैच लेना है तो 4459 में ओनली, आपको रिकॉर्डेड बैच लेने हैं तो 51599 में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको PDF भी मिला जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो PDF फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप कहीं भी कहीं से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, 40% ऑफ डिस्काउंट का फायदा उठाइए और अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।